भारत और धर्म दोनों का एक गहरा रिश्ता है। धार्मिक अनुष्ठान और शास्त्रों की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं सब में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। आज आपको एक ऐसे ही धार्मिक स्थल के बारे में बताएंगे जो कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के करौली और दौसा जिले के बॉर्डर में स्थित है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। मंदिर के मुख्य देवता हैं श्री हनुमान। यहाँ इनके बाल रूप को पूजा जाता है और इनके साथ मंदिर में प्रेतराज और भय का विनाश करने वाले भैरव भी विराजमान हैं। कहा जाता है कि वैसे तो ये राज्य अमूमन गर्म है, लेकिन जैसे ही आप मेहंदीपुर गांव के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको अपनी हड्डी में एक ठंड भरी झंझनाहट का एहसास होगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि आप जीवन भर के लिए शायद उसे भूल ना पाएं। ये एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। यहाँ रेलिंग से लोहे की जंजीरों में बंधे लोग चिल्लाते हैं और साधु उनका इलाज कर रहे होते हैं। ये मंदिर एग्जॉर्सिज्म यानी जादू टोने के लिए जाना जाता है। मानते हैं कि यहाँ प्रेत बाधाओं से ग्रसित लोगों को मुक्ति मिलती है। मंदिर में चार कक्ष हैं, जिनमें से एक में संकट मोचन श्री हनुमान, बाकी में भैरव और प्रेतराज, और अंतिम कमरे में भूत प्रेतों से ग्रसित लोग रहते हैं, जिनको देखना यकीनन आपके लिए एक सुखद अनुभव तो बिल्कुल नहीं होगा। इनमें से कई लोग ऊपर की ओर लटके भी रहते हैं और विचित्र आवाज़ें निकालते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में किसी भी तरह के प्रसाद खाने और ले जाने की सख्त मनाही है। ये भी कहा जाता है कि मंदिर से वापस जाते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और मंदिर से निकलने के बाद पानी की एक बूंद पिए बिना इस गांव को छोड़ देना चाहिए। मंदिर में एक काली गेंद मिलती है जिसे आग में डालने के लिए कहा जाता है। लोगों का मानना है कि मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग तरह की नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, लेकिन गजब बात यह है कि इतने विपरीत माहौल के बाद भी यहाँ सिर्फ प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि साधारण तौर पर भी भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है, जो मंगलवार और शनिवार को बेहद ज़्यादा होती है। कहते हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कभी कभी कि संकट मोचन का दर्शन भी यहाँ बेहद दुर्लभ है।